आज 15 अगस्त है, जिससे कि हमारा 15 अगस्त पे फ्लैग हॉस्टिंग होने वाला है 8 बजे, तो मैं वहीं पे मिलता हूँ। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रवीन सर, मैं आज का ब्लॉग बना रहा हूँ और मैं नहा चुका हूँ। देख रहे होंगे आप, मैं नहा चुका हूँ और ये वाइट शर्ट पहनी है और मुझे थोड़ा बाल वाल झाड़ के फिर तैयार होके मैं आपको मिलता हूँ कॉलेज। मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा आज का ब्लॉग में क्या है कि 15 अगस्त पे फ्लैग हॉस्टिंग होने वाली है, जिसमें कि मैं उधर साइड ले चल रहा हूँ। आओ अबे स्टॉप। ब्लॉग 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 बना रहे आओ चलें उधर, आओ उधर तक चलते हैं फिर। हाँ आओ जाओ आगे बढ़ो। हमारे मुख्य अतिथि जी आ गए हैं। और एनसीसी कैडेट्स भाई, समय हो गया है भाई, ध्वजारोहण किया जा रहा है। सभी लोग सावधानी मुद्रा में खड़े हो। राष्ट्रीय गीत आरंभ। जमी गणमक इस अवसर पे जो भी छात्र या छात्राएं अपना विचार प्रस्तुत करना चाहें, अपनी कोई भी रचना प्रस्तुत करना चाहें, कोई गीत प्रस्तुत करना चाहें, वो यहाँ पर आए, आकर पहले अपना परिचय दें और फिर अपनी रचना सुनाए। केवल ध्यान ये रखना है कि आपकी रचना में दोष मिलाकर कोई भी राजनीतिक विषय या धार्मिक विषय या टीवी डिबेट से प्रेरित होकर कुछ भी न कहें। केवल जो हमारे शहीद हैं, आज़ादी दिलाई, उनके बारे में या कुछ नया विचार आपका अपना हो वो आकर यहाँ पर रख सकते हैं। ध्यान रहे जो भी वक्तव्य आप दें वो शॉर्ट में। रुक जाओ बस, ये देखिए इसको निकाल देते, इसका कोई काम नहीं। अबे तेज शुरू हो गया।
13 मार्च 1930 में राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सागर सती के 71 साल पूरे होने पर टीचर लोग ही बोले वही है 35 साल पुरानी है, ये सरकार 75 साल पुरानी है, लेकिन भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। जब पूरी दुनिया के पास कोई अक्षर ज्ञान नहीं था, चिर ज्ञान नहीं था, शांति के कमरे के चरणों के बारे में करता हूँ। उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं, मेरे प्रिय साथियों, तर्पण 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस अवसर में कि काफ़ी ज़्यादा और 15 अगस्त से आज का 15 अगस्त काफ़ी अलग सा लग रहा है। अलग इसलिए रहा है क्योंकि इसका आयोजन सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 5-6 दिनों से चल रहा है, इसलिए इस बार का ये गणतंत्र दिवस हमें अलग सा दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इस बार हर जन जन हर लोगों में ये देश भावना जाग उठी है इस बार, क्योंकि इस तरह से हर रोज घरों घरों में ये तिरंगा का फहराना और लोगों में ये देश के प्रति उमंग का जागना संदर्भित हो रहा है। इस अवसर पे मैं सिर्फ कोई मेरा कोई लव किसी स्पीच का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी देशभक्ति को दिखाना चाहता हूँ कि होली वही जो स्वतंत्रता की आन बन जाए, कि होली वही जो स्वतंत्रता की आन बन जाए, होली वही जो गणतंत्रता की शान बन जाए, भरो पिचकारियों में पानी ऐसे 3 रंगों का, कि भरो पिचकारियों में पानी ऐसे 3 रंगों का, जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए, जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस है आज के दिन 1947 में आज़ादी मिली थी और बहुत से हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। इसके लिए छात्र अभी केवल दो ही आए, उन्होंने अपनी बात कही। कोई और हमें चाहकर भी आना हो रहा हो उसको समय है। कोई भी नहीं आ रहा है तो अब स्टाफ की ओर से स्वेच्छा से भाई देख लीजिए, आज सबको लड्डू बट रहे हैं। देखिए मेरी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आप लोग FGP कॉलेज में सभी को लड्डू बट रहा है और सबको भगाया जा रहा है। आइए आप लोग आइए आइए फर्स्ट गर्ल्स लाइन बना लीजिए, सेकंड बॉयज डिसिप्लिन के साथ में हिंदुस्तान ग्रहण कर लीजिए। अरे यार हम ही लोग का नंबर आएगा क्यों? चलो भैया लोग हमारे लिए भी लड्डू लेके खड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देख भाई देखिए देखिए सब लड्डू पा गए हैं, ये देखिए सब मुस्कुराते हुए घर जा रहे हैं, सबको मिल गया है, चला दिया, थैंक यू भाई। देखो भाई सब लोग आ गए अपने क्लास के और
और देख रहे होंगे सभी लड़के, तुम्हारे कोई नहीं है बे। अबे तुम तो हो, देखो भाई ये है अमित अमित सविता आईसी का, और ये है क्या नाम है भाई बताओ यार, भूल गए बताओ तुम, प्रीतम भैया, प्रीतम 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 भैया है, और ये अनुराग भैया है, और ये राहुल गॉड है, ये गॉड है सबके भगवान है। ये देखिए भाई सारी सेनाएं आ रही हैं, आ रही हैं गोली बारूद लेके, साथ में मिठाई मिल रहा है। और भाई क्या नाम है यार बताओ जल्दी बताओ, हाँ सत्य प्रकाश, ये भी हमारे मित्र हैं। और भाई ये देखिए भाई सब लोग गोली फायर करके आ रहे हैं भाई, यूट्यूब पे पड़ेगा यार, सब्सक्राइब कर देना यार, रुको अभी शेयर करते हैं भाई। सभी लोग लड्डू पा गए हैं, ये देखिए सब, ये आ गए हमारे कमांडर, ये आ गए भाई कमांडर साहब गोली चला के, गुलशन कहाँ गया, वो आ रहे गोली चला के, गुलशन ने पूछा कुछ बताएंगे आप, कुछ बताना चाहेंगे, लड्डू अच्छा है मीठा है, ये अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है अपने टीम का, अब चलते हैं। वो देखे भाई वो किसका रहा, गेट पे। अब जीपी हम लोग को धन्यवाद बोल रहा है, हम लोग किस लिए आए हुए हैं। प्रतिक्रिया मिली ना बता रहे हैं हम तो सही सही।